ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। कि स्टार्स जब खत्म होते हैं तो अंधेरों में खो जाते हैं, और ये खालीपन का अंधेरा जब खाता है ना तो सबसे पहले स्टार्स की चमक को खा जाता है। कहते हैं ये किसी शहनशाह की मोहब्बत की निशानी है। मेरा ताजमहल भी तो किसी गरीब इंसान की मोहब्बत की निशानी थी। नमस्कार, मैं हूं सूरज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज कुछ ऐसे मेहमान जो टीवी सीरियल के कलाकार हैं और जिन्हें लोग अक्सर टीवियों में देखा करते हैं, वो क्राइम की दुनिया को कम करना चाहते हैं और क्राइम से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मामलों को लेकर वो हमेशा टीवी में आते रहते हैं, लोगों को एक संदेश देते रहते हैं। और इसी के साथ हम उनसे बात भी करेंगे और क्या क्या कर रहे हैं वो, जो है फिल्मों में क्या कर रहे हैं और मुमरा में आए उन्हें कैसा लगा, ये पूरे मामले पर हम आज उनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं प्रहार टाइम्स के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मुमरा मेरा आना रहता है, तकरीबन 4 साल पहले भी मैं आया था और अभी 4 साल बाद आया हूँ, तो बहुत बदलाव मैंने देखा मुमरा में। काफ़ी अच्छी तरक्की हो गई है, बहुत अच्छा लगा, एंट्रेंस से बहुत बढ़िया महसूस होने लगा। पिछली बार जब आप आए थे 4 साल पहले, तो क्या चेंजिंग अब में नजर आई है? वही थोड़ा जैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है, पूरा का पूरा सड़कें रास्ते वो सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन आसपास का देख के अच्छा लग रहा है। और बाकी यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, मिलने जुलने वाले, बड़े प्यार देने वाले। मैं हमेशा अच्छा फील होता है यहाँ के, ऐसा लगता नहीं कि किसी बाहर किसी एरिया में आ गया हूँ, ऐसा लगता है अपने बचपन के मोहल्ले में वापस लौट के आऊँगा। अच्छा, जिस तरह से आप जो है टीवी में अपने किरदार को लेकर हमेशा आते रहते हैं और क्राइम की दुनिया को जो है आप कम करना चाहते हैं, आपका एक संदेश होता है, उद्देश्य होता है, तो वो जो आप दिखाते हैं टीवी में वो कितना सही होता है, आप लोगों की जो स्टोरी होती है वो कितना सही होता है? देखिए, एक रिसर्च टीम है, वो रिसर्च करती है, ऐसे क्राइम्स को दिखाती है जिससे मतलब लोग इंटरेस्ट से देखें। एक्चुअली उनका काम तो वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, टीवी चैनल्स तो वही इसीलिए काम करते हैं। बाकी क्योंकि हमारे सर सुबू सर जिनका ये बनाया शो है, जिनने इसको सेट किया है, वो उनकी सोच बड़ी अच्छी है, वो चाहते हैं कि सोसाइटी में क्राइम कम से कम हो। जो क्रिमिनल्स हैं वो कभी बदलते नहीं है, एक्चुअली वो एक मानसिकता है, एक सोच अलग है, वो कभी सुधरेंगे नहीं। लेकिन जो हम आम लोग हैं वो कैसे सावधान रह सकते हैं उन क्रिमिनल्स से, वो क्रिमिनल्स कहाँ सोचता है, कितना सोचता है, वो सब कहानियों के माध्यम से हम सबको देखने के लिए मिलता है, तो उससे हम समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ किन किन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। यही शो का मकसद है। जो घटना घटी है उसके आधार पर होता है सेम या आप कुछ उसमें अलग से? देखिए, ये शो जो है ये सत्य घटनाओं पे आधारित है, सच्ची कहानियाँ होती हैं जो रिसर्च टीम्स रिसर्च करके लाती है, लेकिन हाँ उसका ड्रामेटाइजेशन तो करना ही पड़ता है, अदरवाइज वो वैसा का वैसा अगर दिखाएंगे तो वो एक डॉक्यूमेंट्री हो जाएगा। तो ये एक पूरी कहानी के तौर पे जिससे लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहे और उनको सीखने को भी मिले, कहानी बिल्कुल रियल होती है, थोड़ा बहुत मसाला फिल्म के तौर पे उसमें डाल दिया जाता है। सीरियल के बाद आप और कहीं पर कदम रखे हुए हैं, जैसे फिल्मों में भी आप जो है कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं? हाँ जी, कुछ फिल्में मैंने की हैं, दशरथ माझी माउंटेन मैन में मैं था, वांटेड में था, अति थी तुम कब जाओगे में था, मेरे डैड की मारुति में था, द डर्टी पिक्चर विजय बालन जी के साथ उसमें था, अभी बादशाहों में मैं था और पीके में भी एक छोटा सा किरदार था मेरा। तो फिल्म्स तो मैं पैरेलली चलती रहती, थोड़ा बहुत उसमें छोटा छोटा ही मिलता है, लेकिन हाँ अभी एक आने वाली फिल्म धर्मा प्रोडक्शंस की कारगिल पे, गुंजन सक्सेना एक पायलट थी अपने कारगिल वॉर के अंदर, उनकी स्टोरी है ये, रियल स्टोरी के ऊपर ये फिल्म है, उसमें मैं एक एयरफोर्स ऑफिसर गुलशन चावला का नाम रोल कर रहा हूँ। तो अच्छा, तो मतलब इसमें जो है आपका जो रोल है वो मतलब किस तरह है? एयरफोर्स ऑफिसर श्रीनगर बेस कैंप, जहाँ से हमारे पायलट्स जाते थे अपने जो घायल पायलट्स को रेस्क्यू करने के लिए जाती थी गुंजन सक्सेना, जिनकी स्टोरी के ऊपर। तो कब तक ये आने वाली है दर्शकों को देखने मिलेगा? कुछ महीनों के अंदर, 2-4-5 महीनों में आ जाएगी, बड़ा प्रोडक्शन है तो जल्दी रिलीज कर देंगे। जब आप इस लाइन में आए, टीवी सीरियल जो है पर्दे पर आप आए, शुरुआत आपकी पहली कहाँ से हुई है? ऐसा होता है सर, कोई भी सफर ना पहले कदम से शुरू होता है। पंजाब में मैं पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा, वहाँ से छोटी सी आंखों ने एक बड़ा सपना देखा कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, और मेरे साथ मालिक है, उसका आशीर्वाद है, आप सबकी दुआएं हैं, तो मैं अपने इस मकसद पे कामयाब हुआ। जाहिर है वो ये, कोई भी सफर, बड़ा से बड़ा सफर पहले एक कदम से ही शुरू होता है। तो यहाँ आने के बाद ऐसे ही स्ट्रगल करते करते एक दिन किसी ने कहा कि वहाँ पे ऑडिशन हो रहा है, तो मैंने ऑडिशन दिया,
वो ऑडिशन एक फिल्म के लिए था, अतिथि तुम कब जाओगे, ये कभी की बात है, ये आज से 9 साल पहले लगा, ये 2010-11 की बात है। तो अतिथि तुम कब जाओगे के लिए वो ऑडिशन था जो मैंने दिया, फिर उस फिल्म में मैंने काम किया, रावण का एक रोल था उसमें। फिर वो जो ऑडिशन ले रहे थे संजय वर्मा जी, फिर वो क्राइम पेट्रोल की कास्टिंग में गए, फिर उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, तो उससे मेरा क्राइम पेट्रोल का सफर शुरू हुआ। जो लोग इंटरेस्टेड हैं फिल्म लाइन में, ऐसे सीरियल लाइन में, उनके लिए क्या आपकी तरफ से संदेश रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो जो है कोशिश उनके नाकाम भी हो रही है। देखिए मैं बताऊंगा, ये लाइन बड़ी अच्छी लाइन है, पहले इसको बुरा भी समझा जाता था, लेकिन आजकल के दौर में इसको करियर के तौर पे लोग ले रहे हैं, माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे हैं अपने बच्चों का कि वो जाएं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ऐसे ही कैमरे मतलब फिल्म देख के शीशे के आगे खड़ा होके एक्टिंग कर लेने से एक्टिंग नहीं होती है। ये जैसे आप एक डॉक्टर के लिए पढ़ाई जरूरी है, इंजीनियर के लिए पढ़ाई जरूरी है, कोर्स होता है, वैसे ही ये एक्टिंग है, ये इतना आसान काम नहीं है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सारे स्कूल्स हैं अभी जो एक्टिंग क्लासेस लेते हैं, आप किसी भी एक अच्छी जगह पे जाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आपके पैसे को ही खाएंगे, तो आपको पहले इस लाइन को सीखना होगा, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, आप में करने की दृढ़ इच्छा होनी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आता है कि आप काम को कितना जानते हैं। एक्सपीरियंस के साथ साथ आप काम सीखते जाते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस लेने के लिए, काम शुरू करने के लिए आपको काम आना जरूरी है। लेकिन हमारा देश बहुत अच्छा है, बहुत पहले डॉक्टर सर अल्लामा इकबाल साहब ने जो लिखा था वो बिल्कुल सही है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। एक और मेहमान हमारे साथ हैं जो साथ में ही है, जो क्राइम पेट्रोल के एक हिस्सा है, और वो भी एक महारथी है अपने आप में, हम उनसे भी जानते हैं। आपको कैसा लगा मुमरा, आप भी पहली बार आए हैं या दूसरी बार आए हैं? मैं ये 10वीं बार आया। आप मुझे इतना अच्छा लगता है कि आप 10वीं बार आए हैं, बार बार आता हूँ, मुझे मुमरा से बहुत प्यार हो गया, क्योंकि मुमरा में हमारे एक दोस्त हैं और अब इतने दोस्त बन गए, ये सारे मेरे भाई जैसे लगते हैं मुझे, अब ये सारे ये मैं इनका नाम भूल रहा हूँ, ये सारे जितने भी यहाँ इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं ना, आने को मजबूर हो जाते हैं हम लोग, बार बार आने को मन करता है। मुमरा तो यहाँ तो एक हिंदू मुसलमान की एकता की मिसाल है, बहुत बढ़िया शहर, बहुत बढ़िया ये जो है मुमरा है, बहुत ही खूबसूरत, यहाँ सारे जो भी फसाद जहाँ होते हैं जैसे कश्मीर में होते हैं या मेरे यूपी में कहीं होता है, उनको यहाँ ये मुमरा दिखाना चाहिए, हिंदू मुसलमान में जो भाईचारा है वो सिर्फ इस मुमरा शहर में। क्राइम पेट्रोल में आप कब से मतलब कदम रखे? हाँ, मुझे क्राइम पेट्रोल में कम से कम 2009 से, आज मुझे 10 साल। 2009 के अंदर मतलब आप कौन कौन से ऐसे रोल किए हैं? तकरीबन मैंने साल में चोर से लेके गरीब बाप से लेके सब हो चुका हूँ, पुलिस का रोल, एक हौलदार का भी मैंने रोल किया, बाकी सब रोल बना चुका, डाकू विलन सब। देखिए जो क्राइम पेट्रोल हम करते हैं ये बनाने वाले कोई और हैं, हमारा काम अभिनय करना है, हमारा काम एक्टिंग करना है, वो जो हमें स्क्रिप्ट देते हैं हम उसमें सिर्फ एक्टिंग करते हैं। ये क्राइम पेट्रोल बनाए हमारे देश को जागरूक करने के लिए, लोग जो ये क्राइम हो रहे हैं उससे अवेयर हो जाए, उससे जागरूक रहे। और दूसरा आपने कहा कि मैं अलग अलग किरदार करता हूँ, मेरा देखिए मेरा पैशन था बचपन से कि मुझे एक्टर बनना है, और तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, बाकी किरदार तो मिल रहे हैं लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है, तो मैं ये करते रह रहा हूँ, मुझे सब एक जैसा ही लगता है। टीवी सीरियल के अलावा आप भी कोई फिल्मों में आपने जो है? हाँ बस मैं मेरी भी एक फिल्म आ रही है, उस फिल्म का नाम है यार जिगरी। यार जिगरी, यार जिगरी, ये कब तक रिलीज होगी? ये होगी शायद अगले महीने होगी। और उसमें आपका किरदार क्या है? उसमें किरदार तो आपको फिल्म देखने के बाद ही आप देखेंगे तो सस्पेंस खुल जाएगा सारा। अच्छा, तो फिल्म देखेंगे तो मजा आएगा। पहले के फिल्मों में और अब की फिल्मों में क्या क्यों इतना अंतर हो गया है? पहले कुछ सादगी थी तो ऐसे में मतलब जो माहौल कहीं खराब तो होता नजर नहीं आता? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, देखिए हर वक्त के साथ साथ हर चीज चेंज होती है। जो जब मैं गाने सुनता था, मैं रफ़ी साहब का बहुत बड़ा दीवाना था, तो मेरे पापा मुझे कहते थे क्या नए नए गाने सुनते हो, तो केएल सहगल साहब सुनते थे जो मुझे बहुत गंदा लगता था, दिल जलता है। अब हम आज मौसम बड़ा बेईमान ऐसे गाने अच्छे लगते थे, आज जब मैं आज मौसम करता मेरी बेटी बोलती है क्या पापा सुनते हो, वो बोलती है तेरी मेरी मेरी तेरी, तो इस वक्त के साथ साथ हर चीज़ चेंज होती रहती है। तब हमें दिलीप साहब धर्मेंद्र अच्छे लगते थे, आज के बच्चों को सलमान खान शाहरुख खान अच्छे लगते हैं, ये वक्त के साथ हमें चेंज होता रहेगा, लेकिन आज ज़्यादा टैलेंट है, आज हमारे शहर देश में बॉम्बे में इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा टैलेंट आ गया। आज फिल्म आपने शायद आप लोगों ने देखी हो मिशन मंगल,
कमाल फिल्म बनी अक्षय कुमार की, कमाल फिल्म है, इतनी सोच खतरनाक, इतनी मतलब बहुत ही वास्ट चीज को बोल रहे हैं, बहुत ही वो कहाँ तक सोच है, तो आज टैलेंट बहुत है। और सर अभी क्या समय के साथ सिनेमा चेंज होता है, हाँ। क्योंकि सिनेमा अपने आप में क्या है, हमारे समाज का एक आईना है जी। अभी वो जो था पहले सादे कुर्ते धोती वाले लोग होते थे हमारे देश में, हमारी फिल्में भी वैसे ही होती थी, 2 बीघा जमीन ये थे। अब हम लोग देखो ना क्या हो गए हैं, और इसलिए ये बदल, अभी पहले एक्टिंग भी थी, अब एक्टिंग भी बिल्कुल रियलिस्टिक हो गया। आप देखेंगे पहले जले को आग कहते हैं को तालियां बजती थी, आज कोई एक्टर को बोलेगा जले को आग उसको भगा दिया जाएगा, आज तो जली को आग कहते हैं बोलना पड़ेगा, जली को आग नहीं चलता है। तो बदल जाता है समय के साथ ये, और आगे तरक्की कर रहा है सिनेमा, बहुत आगे जा रहा है। हमारा बड़ा सौभाग्य है, मैं तो समझता हूँ, ये भी समझते हैं कि हम लोग इस लाइन में हैं और ईश्वर हमें इसी लाइन में जिंदा रखे हुए, हमारे घर चल रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है कि आप हमसे कुछ सवाल कर रहे हैं, हमें मौका दे रहे हैं आपके प्रहार चैनल पे बोलने के लिए। तो हम, हमारी शुभकामनाएं आपका, ये प्रहार चैनल दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। और प्रहार चैनल के सभी दर्शकों को मैं भी एक बार बोलूंगा, जितने भी यूथ मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज 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 नशे से दूर रहिए, प्लीज दूर रहिए, क्योंकि ये आपको थोड़ी समय के लिए मजा दे सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी सजा है, ना सिर्फ आपके लिए, आपके परिवार के लिए भी। तो प्लीज इससे दूर रहिए। और एक और महत्वपूर्ण संदेश है, पानी को बचाइए, क्योंकि पानी की कमी इस पृथ्वी पे होती चली जा रही है। तो प्लीज जहां पे भी नल खुला देखें उसे बंद कर दीजिए, अगर आपके घर में कोई भी नल खराब है उसे तुरंत ठीक करवाइए, एक एक बूंद का हिसाब देना पड़ेगा, कुरान शरीफ में भी लिखा है, तो प्लीज इसको फॉलो कीजिए। जो आपने सीरियल में जो डायलॉग बोलते हैं, कुछ ऐसे डायलॉग आपको याद है थोड़ा सा बोल दीजिए जो दर्शक देखेंगे। देखो क्या, क्राइम पेट्रोल की हजारों स्टोरीज की है, मेरे को ऐसे क्राइम पेट्रोल का कोई डायलॉग याद नहीं, लेकिन मैंने डर्टी पिक्चर में एक बहुत बेहतरीन लाइन बोली थी, द डर्टी पिक्चर विद्या बालन जी की फिल्म थी है, और इसमें मैं एक डायरेक्टर के रोल में था, वेंकटेश। तो वो एक सीक्वेंस ऐसा था जिसमें वो डायलॉग भूल जा रही हैं, कुछ वो कर रही हैं, और वो इरिटेट हो जाती हैं, और वो सिगरेट मंगाती हैं, और बोलती कट, मैं पैकअप मैं नहीं करूँगी शूटिंग। तो मैं डायरेक्टर के तौर पे उसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि देख, सिर्फ स्मिता भी ये पिक्चर थी, द डर्टी पिक्चर, तो उसके पूरे डायलॉग्स तो नहीं, बस एंड में मैं उनको एक लाइन बोलता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छे से लिखा गया था कि स्टार्स जब खत्म होते हैं तो अंधेरों में खो जाते हैं, और ये खालीपन का अंधेरा जब खाता है ना तो सबसे पहले स्टार्स की चमक को खा जाता है। आप भी मुझे बताइए, आप 2009 से अब तक अपने करियर में जो है फिल्म और टीवी सीरियल पर्दे पर जो है आप आते रहे हैं, डायलॉग बोलते रहे, कुछ ऐसे डायलॉग आपसे कुछ फेमस हुए हो जो आपको याद हो वो आप थोड़ा सा बताइए, जो दर्शक जो व्यूअर है वो जाने। लोग मुझे पागल कहते हैं क्योंकि मैंने 5 रुपयों से 5 घड़ों का ताजमहल बनाया। क्या बात है, शाहजहां को कोई पागल नहीं कहता, जिसने हजारों गुलामों की मेहनत से, लाखों के खर्च से संगमरमर का ताजमहल बनाया, कोई उसे पागल नहीं कहता। कहते हैं ये किसी शहंशाह की मोहब्बत की निशानी है, मेरा ताजमहल भी तो किसी गरीब इंसान की मोहब्बत की निशानी था, लेकिन मेरी मोहब्बत की कहानी को कोई नहीं समझ सका, इसलिए आपको बगैर बताए मेरी कहानी समझ में नहीं आई। मैं बिहार के एक मोची घराने में पैदा हुआ, मोची अछूत रहते, कम से कम तो कहलाते हैं ही, सुना महात्मा गांधी ने हमें हरिजन बना दिया, यानी भगवान की औलाद, लेकिन ना ही किसी भगवान ने हमारी हालत सुधारने की कोशिश की और ना ही किसी इंसान ने, इसलिए हम मोची के मोची रहे। इतना काफी है, धन्यवाद। ये थे टीवी सीरियल के जो कलाकार, और टीवी सीरियल ही नहीं बल्कि कई फिल्मों में इनके कदम रख चुके हैं ये, और आने वाले दिनों में इनके फिल्म आएंगे, दर्शक देखें। इसी के साथ जो है समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।